हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन द नेस्टेड मैंगो चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से आप अपने गेम के अंदर अनलॉक यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों, स्पेशली मैंने इस सीरीज़ का नहीं बनाया था, बट मैंने इसी गेम पे बनाया था कि किस तरह से आप अपने गेम के लॉक लेवल्स को लॉक कर सकते हैं, कि जब भी आपका लेवल कम्प्लीट हो देन नेक्स्ट लेवल स्टार्ट हो। और दोस्तों, कुछ लोगों ने मुझसे लॉक मांगा था तो उन्हें मैंने ईमेल कर दिया था। और दोस्तों, आज की ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे किस तरह से हमारा गेम सही तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं वर्क कर रहा है। और हम लोग बॉल के ऊपर एक लाइट यूज करेंगे, जिससे कि आपको लगेगा कि बॉल के साथ उसकी जो शैडो है वो एज अ लाइट, एज अ कलरफुल लाइट मूव करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। और दोस्तों, अगर चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चेक करते हैं कि हमारा गेम सही तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जस्ट मैंने इसे यूनिटी रिमोट 5 से कनेक्ट कर लिया है और इसे मैं रन करके देख रहा हूँ। तो चलिए मैं इसे लास्ट तक लेके जाऊँगा, गोल तक, और हमें बच के जाना है ऑब्स्टिकल से। यहाँ पर मेरा फ़ोन भी देख सकते हैं, पीसी में मैंने कनेक्ट कर लिया है। और दोस्तों, ये आप अलग अलग ऑब्स्टिकल यूज कर सकते हो अलग अलग एनवायरनमेंट के साथ। और दोस्तों, इसमें हम लोग काफी कुछ सीखने वाले हैं इस गेम सीरीज में, कि आप गेम के अंदर म्यूजिक कैसे लगा सकते हैं। और मैंने लेवल लॉक दोस्तों बता दिया, जो कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस गेम में मैं आपको बताऊंगा। और आप जब भी किसी गेम पे काम करोगे तो आप आने वाले हर एक गेम में वो सारी चीज़ें यूज़ करोगे। तो दोस्तों, मेरा ये नहीं है कि मैं आपको गेम बना के जल्दी से ख़त्म कर दूं। मेरा यह है कि मैं एक गेम के अंदर काफ़ी चीज़ें कवर करूं, जिससे कि कोई भी सीरीज़ को फॉलो करे और इस सीरीज़ को कम्प्लीट करने के बाद वो इतना एबल हो जाए कि सारी चीज़ों को यूज़ करना सीख जाए। तो दोस्तों, हम लोग अपने गोल के पास पहुंच गए और ये हम लोग मेन स्क्रीन पे चले गए। तो इसका हमने कोड अच्छे से कर लिया है और होप कि आपने भी कर लिया है। अगर आपका सही तरीके से वर्क कर रहा है गेम, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सही तरीके से वर्क कर रहा है। कि दोस्तों, फर्स्ट वीडियो में भी अभी इस समय कुछ लोगों का कमेंट आया है कि उनके बॉल सही से मूव नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना है कि आपका जो ऊपर डायरेक्शन दिख रहा है एक्स और जेड, तो इसी डायरेक्शन में रहे, तभी जाके आपका बॉल सही तरीके से मूव करेगा। तो चलिए दोस्तों, एक नए फीचर के बारे में बात करते हैं। और स्पेशली ये फीचर लोग अपने गेम में यूज करते हैं, कोई कैरेक्टर वाला गेम है, कोई FPS के गेम है, RPG वाले गेम में यूज करते हैं। तो मैं इसमें यूज करके दिखाता हूँ आपको। बॉल के ऊपर एक ऐसा लाइट लगाना है, तो लाइट में आप जाओगे राइट क्लिक करके एंड देन पॉइंट लाइट। यहाँ पे बहुत सारे लाइट है तो हम लोग स्पॉटलाइट यूज कर लेते हैं। और मैं ये भी ट्यूटोरियल बनाऊंगा कि कैसे कौन सी लाइट किस काम के लिए यूज की जाती है। तो अभी के लिए आप स्पॉटलाइट यूज कर लीजिए। और इसका जो रोटेशन है, इसे आप रोटेट टूल की मदद से आप बॉल की तरफ कर सकते हो, या डायरेक्ट 90 पे भी रोटेट कर सकते हो। और इसको रोटेट करने के बाद आपको यहाँ पे इंटेंसिटी और रेंज के साथ आप प्ले कर सकते हो। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस तरह से देख सकते हो कि आपका जो लाइट है वो पूरी तरह से बॉल को कवर कर पा रहा है कि नहीं, या कैरेक्टर को कवर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। और दोस्तों, हम लोग आने वाले वीडियोस में पोस्ट प्रोसेसिंग, लाइट, ये बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे जिसकी मदद से आप यूज कर पाओगे, क्योंकि लाइट का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा होता है। तो यहाँ पे आप लाइट में आप देख सकते हो कि मैंने इंटेंसिटी इसकी 10 करी, आप इसे 100 भी कर सकते हैं। बट अभी लाइट हमारे एनवायरनमेंट का ज़्यादा है तो हमें इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा रखनी होगी, और जब अगर अंधेरा है तो आप थोड़ा सा इंटेंसिटी कम रख सकते हैं। और दोस्तों, इन चीज़ों का भी आपके गेम के परफॉर्मेंस पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरी डायरेक्शन लाइट है, क्योंकि एक पर्टिकुलर गेम के एनवायरनमेंट के अंदर डायरेक्शन लाइट लोग यूज़ करते हैं, तो आप इस डायरेक्शन लाइट को थोड़ा कम कर सकते हैं या आप इसकी इंटेंसिटी को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। बट जो हमारा स्पॉट लाइट है, इसका हम लोग कलर आप चूज कर सकते हो अपने हिसाब से। मैंने अभी फ़िलहाल रेड रखा है और अभी मुझे कोई भी
आप देख सकते हो कि हल्का हल्का लुक मिल रहा है, बट प्रॉब्लम ये हो रही है कि बॉल के अंदर मैंने स्पॉटलाइट को लगाया है तो स्पॉटलाइट बॉल के साथ रोटेट कर रहा है, तो हमें वो नहीं चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक गेम ऑब्जेक्ट लेना होगा हायरार्की के अंदर। तो मैंने जस्ट हायरार्की के अंदर राइट क्लिक करके एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट लिया जिसका नाम हम लोग रख देते हैं लाइट। अब दोस्तों हम नहीं चाहते हैं कि हमारा जो लाइट है उस तरह से रोटेट करे, तो हमने उस लाइट को इस लाइट के अंदर डाल दिया एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट के अंदर। और यहाँ पे मैं एक स्क्रिप्ट लिखा था मैंने कि कैमरा बॉल को फॉलो करे। तो दोस्तों हम यहाँ चाहते हैं कि हम लाइट हमारा जो है वो बॉल को फॉलो करे, तो उसके लिए हमें कैमरा फॉलो वाली स्क्रिप्ट यहाँ पे लगा देनी है। आप दोबारा भी लिख सकते हो या उसी स्क्रिप्ट को लगा सकते हो। और यहाँ टारगेट पे आप बॉल को सेट कर सकते हो, इससे क्या होगा कि आपका जो भी स्पॉटलाइट है वो बॉल को फॉलो करेगी और ऊपर से फॉलो करेगी, जिससे कि आपका जो बॉल के रोटेशन की वजह से लाइट रोटेट कर रही थी वो रोटेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से आपको एक अच्छा इफेक्ट देखने को अपने गेम के अंदर मिल जाएगा। अभी हमारे एनवायरनमेंट में ज्यादा लाइट है तो उसकी वजह से थोड़ा कम दिख रहा है, बट इसका यूज आप अपने लाइट को जो मेन लाइट है डायरेक्शन लाइट है उसे कम करके कर सकते हो। बट ये देख सकते हो कि कितना अच्छा लुक आ रहा है, पूरी तरह से ये रेड दिख रहा है। आप अदर कलर भी चूज कर सकते हो और ये अच्छा लुक है और आप भी इसे और भी मैनेज कर सकते हो। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग बॉल की जो शेडो आ रही है वो थोड़ी सी बेड रिप्रेजेंटेशन है, तो हम यहाँ पे मेस रेंडरर में आप कॉस शेडो पे जाओगे और यहाँ पे इसे ऑफ कर देते हैं। और ये भी एक हिस्सा है गेम परफॉर्मेंस का कि जब आप शेडोज दिखाते हो तो भी दोस्तों एक गेम्स लेग करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आप शेडो को भी ऑफ कर सकते हो या कोशिश करो कि कम से कम शेडोज को आप दिखाओ। आने वाले इस वीडियोस में दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें बताया जाए कि आप गेम के परफॉर्मेंस को कैसे बेटर बना सकते हैं, और इस तरह से आप प्ले भी कर सकते हैं लाइट के कलर के साथ, और जो भी आपको लाइट का कलर बेटर लगे उससे आप यहाँ से कॉपी करके आपको गेम को जब बंद करते हो प्ले से तो उस टाइम आप कॉपी पेस्ट करके आप उसका यूज कर सकते हैं। तो ये अलग अलग कलर है और इनका यूज आप कर सकते हो। तो जस्ट आपको ऐसे ट्राई करते रहना है और जितने भी कलर हैं आप ट्राई करो और जो भी अच्छा लगे आप अपने गेम में यूज कर लो। और दोस्तों जब भी आप कोई कलर बना लेते हो तो आप नीचे देख सकते हो कि यहाँ पे स्विचेस लिखा हुआ है नीचे, जहां पे कि आप अपने कलर को सेव भी कर सकते हो, तो इन द फ्यूचर की आपको जब भी रिक्वायरमेंट हो आप डायरेक्टली वहां से कलर को यूज कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि हमारा ऑब्स्टिकल भी वर्क कर रहा है जब हम लोग ऑब्स्टिकल से कोलाइड कर रहे हैं, और हमारा जो लाइट है वो सही तरीके से बॉल को फॉलो भी कर रहा है और उस तरह से हमारा रोटेशन बॉल लाइट का नहीं हो रहा है। तो चलिए मैं इसका रेंज थोड़ा सा चेंज करता हूँ, बट रेंज चेंज करने पे ये मेरा बॉल से फोकस थोड़ा हट रहा है, तो आप जो स्पॉट एंगल है उसको भी आप बड़ा कर सकते हो जिससे कि जो लाइट आपको दिख रही है वो थोड़ा और बड़े एरिया में आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगी। और दोस्तों जो लाइट का वाई एक्सिस का जो पोजीशन है उसे भी आप मैनेज कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं और आपको सेट करना होता है अपने गेम के अकॉर्डिंग कि किस पोजीशन पे किस किन वैल्यूज के साथ आपका जो लाइट का है या जो भी फैक्टर्स डिपेंड करते हैं आपकी गेम के लुक पे वो कैसे दिखते हैं या कैसे लुक देता है। तो चलिए हम लोग एक बार और रन करते हैं और देखते हैं किस तरह से हमें दिख रहा है, बट आई थिंक ये भी अच्छा ही दिख रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा हल्का है और आप इसकी इंटेंसिटी बढ़ा के कर सकते हैं।
तो दोस्तों टोटली ये जो वीडियो था वो बिल्कुल लाइट के ऊपर था, तो होप कि आपने स्पॉटलाइट का यूज़ कर लिया होगा और आने वाले गेम्स में आप बिल्कुल स्पॉटलाइट का यूज़ कर सकते हो अपने गेम के अंदर। और जो कैमरा फॉलो स्क्रिप्ट थी वो सिंपल थी, जो मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ था कि आपको एक ऑफसेट लेना रहता है और उसके बेसिस पे आप ऑफसेट निकालने के बाद उस पोजीशन को देते हो जो बॉल की पोजीशन होती है कैमरे को, और वो उसे फॉलो करता है और ये सारा काम अपडेट के अंदर होता है। उसमें हम लोग चाहते हैं कि कैमरा हमारा बॉल को देखे, तो जिसकी वजह से हम लोग लुक अहेड का मेथड का यूज़ करते हैं। तो होप आपको स्क्रिप्ट भी समझ में आई होगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम लोग कुछ और नई सारी चीज़ें सीखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। और दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा और उन सभी के साथ वीडियो शेयर कीजिए जो गेम बनाना सीखना चाहते हैं। सो वन मोर टाइम थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।